हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th पार्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो ये जो केस है ये रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 21 से, बट आर्टिकल नंबर 21 ही सिर्फ इसके अंदर रोल प्ले नहीं करता है। इस केस के जजमेंट के बाद ये पता चला कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 ये तीनों जो हैं रिलेटेड हैं, ये तीनों अलग नहीं है। इन तीनों में से किसी का भी अगर हनन हो रहा है तो इससे दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड ये केस था, इसका जो जजमेंट आया इसके बाद आर्टिकल नंबर 21 का सही दायरा पता चला लोगों को कि आर्टिकल नंबर 21 का सही जो वजूद है वो है क्या। सो आर्टिकल नंबर 21 में बोला गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो जीने का और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में दिया हुआ है। सो मेनका गांधी को पासपोर्ट इशू किया जाता है ऑन 1st of June 1976 अंडर द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। पासपोर्ट एक्ट जो पास किया गया 1967 में, उसी के तहत मेनका गांधी को पासपोर्ट इशू हुआ ऑन 1st of June 1976 को। एंड ये पासपोर्ट जो है ये इशू किया गया बाय रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं उनके द्वारा मेनका गांधी को पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है। बट कुछ दिनों के बाद ही उनसे बोला जाता है कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करें अंडर सेक्शन 10 पार्ट 3 क्लॉज सी। सो सेक्शन 10 पार्ट 3 क्लॉज सी ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत बोला गया मेनका गांधी को कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो जमा कर दें। तो जब मेनका गांधी ने पासपोर्ट ऑफिसर से रीजन पूछा कि क्यों मुझे क्यों पासपोर्ट जमा करने को बोला जा रहा है, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक लेटर आया उनको कि हम आपको रीजन बता नहीं सकते, ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो रही है। तो सेक्शन 10 पार्ट 3 जो है पासपोर्ट एक्ट 1967 का वो क्या कहता है। तो सेक्शन 10 का पार्ट 3 जो है वो कहता है दैट द पासपोर्ट अथॉरिटी मे इम्पाउंड और कॉज टू इम्पाउंडेड और रिवोक अ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मतलब सेक्शन 10 के पार्ट 3 में ये कहा गया है कि पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पूरा पावर है कि वो अगर चाहे तो किसी का पासपोर्ट जो है वो जब्त कर सकती है, या किसी का ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है अगर उसको महसूस होता है तो वो जमा ले सकती है अपने पास। अगर उनको महसूस होता है कि इससे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, देश की संप्रभुता और अखंडता पे इससे अगर प्रॉब्लम होने वाला है, या देश की सिक्योरिटी जो है उस पर अगर फर्क पड़ने वाला है, या किसी फ्रेंडली कंट्री के साथ हमारा इंडिया का रिलेशन अगर खराब हो सकता है, या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पूरा पावर है कि किसी का पासपोर्ट जो है या तो वो कैंसिल कर सकती है, या वो रख सकती है, या उसके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास जमा करवा सकती है। तो ये जो है ये पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10 के पार्ट 3 के सी में कहा गया है। सो इसी को लेके पासपोर्ट ऑफिस ने कहा कि आप अपना जो है पासपोर्ट जमा कर दें। उसके बाद फिर जब वैलिड रीजन नहीं दिया गया, तब मेनका गांधी जो है वो आर्टिकल नंबर 32 को यूज़ करते हुए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को यूज़ करते हुए इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। एंड उन्होंने बोला कि मेरा जो आर्टिकल नंबर 21 है फंडामेंटल राइट, उसका हनन हो रहा है। एंड साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19A जो है मेरा वो भी हनन हो रहा है, ये जो फंडामेंटल राइट्स मुझे जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं ये मुझसे छीने जा रहे हैं, तो मुझे इंसाफ चाहिए। तो मेन जो इशू था इस केस का वो ये उभर के आया दैट वेदर द राइट टू गो एब्रॉड इज पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये जो केस आया यहाँ से एक सवाल उठा कि क्या घूमने का या फिर दूसरे देश में जाने की जो आज़ादी है वो व्यक्तिगत आज़ादी के अंतर्गत ही आर्टिकल नंबर 21 में काउंट होगी या नहीं, ठीक है, ये प्रश्न उठा। एंड दूसरा प्रश्न ये उठा दैट वेदर द पासपोर्ट एक्ट प्रिस्क्राइब्स अ प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 21 बिफोर डिप्राइविंग अ पर्सन फ्रॉम द राइट गारंटीड अंडर द सेड आर्टिकल। यानी आर्टिकल नंबर 21 को जब हम देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 21 में बोला जाता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर हम ले रहे हैं उससे, या फिर उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको हम अगर छीन रहे हैं,
वो जो चीजें हैं ये लॉ के अनुसार होना चाहिए, यानी कानून के द्वारा अगर कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुआ है उसी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हम किसी से किसी का हक छीन सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में ये सवाल उठाया गया कि पासपोर्ट एक्ट में जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं क्या वो प्रोसीजर्स हैं रियली में, क्या वो वैलिड हैं, क्या इसके थ्रू किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो लिया जा सकता है। तो ये जो है दूसरा प्रश्न उठा। एंड तीसरा जो प्रश्न उठता है वो ये है वेदर सेक्शन 10 पार्ट 3 क्लॉज सी ऑफ द पासपोर्ट एक्ट वायलेट आर्टिकल 14 19(1)(a) एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जो सेक्शन 10 सी पार्ट 3 जो रखा गया है, सेक्शन 10 पार्ट 3 का क्लॉज सी जो रखा गया पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, इसके वजह से आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 का हनन हो रहा है, ये भी एक प्रश्न जो है उठता है। एंड एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ये जो चीज़ें हो रही है वेदर द ऑर्डर ऑफ द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या ये नेचुरल जस्टिस है, क्या ये सही तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं तो क्या ये वैलिड हैं, ये हो। देन इस केस का जजमेंट क्या आया, तो बोला गया इस केस के जजमेंट में कि सेक्शन 10 पार्ट 3 क्लॉज सी जो है पासपोर्ट एक्ट 1967 का ये इनवैलिड है, ये नल एंड वॉइड है, तो इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला जाता है कि इस चीज़ को अगर हम देखें सेक्शन 10 पार्ट 3 क्लॉज सी, तो वहाँ से साफ साफ पता चलता है कि आर्बिट्रेरी पावर है, मनमाने तौर से किसी का भी पासपोर्ट जो है वो जब्त किया जा सकता है। तो इससे आर्टिकल नंबर 14 का साफ साफ हनन हो रहा है, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड साथ ही साथ ये कहा गया कि ये जो सेक्शन लगाया गया इसके वजह से जिसका पासपोर्ट जब्त कर रहे हो उसको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी जो सफाई है वो दे सके, अपना पक्ष जो है वो रख सके। तो ये जो जजमेंट है इस केस में दिया गया। एंड ये जो पासपोर्ट एक्ट 1967 में सेक्शन 10 पार्ट 3 क्लॉज सी जो है उसको इनवैलिड घोषित किया गया। एंड साथ ही साथ इसी केस से ये बात निकल के सामने आए कि आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ये अलग नहीं है, अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो ये जो है इनको गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो गोल्डन ट्राइंगल जो है आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21 को लेके ही बनता है। एंड दिस लॉ prescribes a procedure for depriving a person of personal liberty has to fulfill the requirements of article 14 and 19। and यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर किसी की व्यक्तिगत आज़ादी भी आपको छीननी है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका article number 14 and article number 19 जो है वो fulfill हो, यानी article number 14 and article number 19 को ध्यान में रखते हुए आप किसी को उसकी व्यक्तिगत आज़ादी उससे छीन सकते हैं, ये भी इस कोर्ट के इस केस के जजमेंट में कहा गया। एंड फाइनली कहा गया that right to travel and go outside the country is included in the right to personal liberty guaranteed under article 21। इस जजमेंट में ये भी कहा गया कि घूमने का अधिकार और देश से बाहर जाने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल नंबर 21 में गारंटी किया गया है, ये आर्टिकल नंबर 21 का इंटीग्रल पार्ट है, ये कहा गया। एंड साथ ही साथ कहा गया कि कोई भी रूल जो है, कोई भी लॉ जब बनाया जा रहा है तो वो जो लॉ है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए, यानी हर जो लॉ बनाया जा रहा है वो ऐसी आर्बिट्रेरी रूप में नहीं होना चाहिए, ऐसी मनमाने तौर पे किसी को भी कुछ भी हम ना करें वैसी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं होनी चाहिए, ये जो है जस्ट होना चाहिए, ये फेयर होना चाहिए एंड ये रीजनेबल होना चाहिए। एंड यहाँ पे इस केस में ये भी कहा गया कि आर्टिकल नंबर 21 में जो लाइफ यूज़ किया गया है उसका मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइफ का मतलब है एक मीनिंगफुल कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग जो लाइफ है जिसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी झलकती है, यानी इंसानियत जिसके अंदर झलकती है, उस लाइफ की बात की जा रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे ह्यूमन डिग्निटी जो है वो ख़राब हो एंड लोगों को अन मीनिंगफुल लाइफ मिले या फिर ऐसी लाइफ मिले जिसका कोई महत्व ही नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइफ जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है मीनिंगफुल कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग एंड डिग्निटी के साथ जीना जो है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 21 में। तो ये जो जजमेंट है ये दिया गया था इस केस में। मिलते हैं हम अगले केस में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।